Turn you off in Lambos out on Collins. I be. सो वेलकम बैक गाइस, सूरज पीपी के और एक थी ब्रांड न्यू वीडियो में। तो भाई यार, आज की वीडियो होने वाली सूरज पीपी के और एक थी रैंक पुशिंग गेम प्ले के ऊपर। तो सीजन के स्टार्टिंग में भाई आपको किस तरह से रैंक पुश करना है और क्या करना है, तो ये सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। तो यार भाई, वीडियो स्टार्ट करने से पहले भाई यार, जो जो अपने चैनल पर नए हैं तो भाई यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी से। सो गाइस, सीजन एंडिंग होने के लिए भाई पास 3 दिन चाहिए, और भाई 3 दिन के पास नया सीजन आ जाएगा और फिर से अपन भाई यार रैंक पुशने लिए लोंडे लग जाएंगे। भाई यार देखो भाई, मैं बोलूँगा उस तरीके से रैंक पुश करोगे तो भाई यार जाते आपका कॉन्करर हो जाएगा। अगर वह टाइम पे कॉन्करर नहीं करोगे तो भाई यार बाद में कब होगा और क्या होगा भाई भगवान जाने, ठीक है। तो भाई देखो भाई, सीज़न जैसे स्टार्टिंग हो जाएगा, मतलब देखो अभी 17 तारीख को सीज़न शायद, मतलब रॉयल पास कब जाएगा पता है, जब रॉयल पास गया और जिस दिन सीज़न आ गया भाई यार, उस दिन से भाई स्टार्टिंग से आपको 7 दिनों में भाई कुछ भी करके कॉन्कर लगाना है, चाहे कुछ भी हो जाए भाई आपको 7 दिनों में कॉन्कर लगाना है। अगर जो बंदे भाई प्लेटिनम पे भाई यार, उन्होंने पहले दिन में डायमंड 4 तो कर ही लेना है भाई, डायमंड 4 नहीं तो 3। बिकॉज भाई यार देखो, अगर 7 दिनों में आप कॉन्करर नहीं किए तो भाई यार आपको बाद में हैकर ज़्यादा मिलेंगे, बहुत ही ज़्यादा मिलेंगे। बिकॉज देखो, सीजन के स्टार्टिंग में भाई हैकर नहीं होते, स्टार्टिंग के 7 दिनों में हैकर आपको नहीं दिखने को मिलेंगे लॉबी पे ज़्यादा। बट जैसे ही 7 दिन हो जाते हैं भाई, तो भाई बहुत ही गंदे हैकर आने चालू हो जाते हैं, तो भाई यार आपको रैंक पुश करने में बहुत दिक्कत आएगी और भाई आपका प्लस माइनस होते रहेगा और आपका ऐसा ही टाइम पास होते रहेगा, तो आपका कॉन्करर बहुत भाई मतलब हो ही नहीं पाएगा ज़्यादा करके। तो भाई इसलिए मैंने बोला भाई आपको 7 दिनों में कर लो यार बोल, और अच्छे से करना भाई आपको एकदम, मतलब कैंप वैप मतलब एकदम सही से करना है, कैंप वैम करके अच्छे से किल भी निकालो भाई यार। तीन जोन बाहर रहो, एकदम मस्त हीलिंग का डैमेज लो, सब कुछ लो, मतलब बैंडेज पट्टी भाई बहुत ज़्यादा उठाना है आपको, कम से कम 30-40 तो बैंडेज बाहर ही खाना है, बहुत मस्त एकदम खतरनाक। और भाई यार देखो, बोट विट तो मिलते ही रहेंगे आपको, 1-2 बोट तो मिल ही जाएंगे, और बाकी क्या आपको किल्स निकालना है 3rd सर्कल में, ठीक है गाइस। तो भाई देखो, आपको इस तरीके से रैंक पुश करना है स्टार्टिंग के सीजन में, और भाई आपका इजीली कॉन्करर हो जाएगा अगर आप मेरी बात सुनते हो तो। तो भाई मैं वैसे डेली वीडियो डालते रहूँगा अपने चैनल पर, तो भाई कोई टेंशन नहीं है भाई, बाकी सब कुछ देख लेंगे। तो भाई चलो यार, बात करते हैं गेम प्ले के ऊपर। तो भाई यार ये मैंने मतलब ऐसे ही मतलब टिप्स एंड ट्रिक्स देने के लिए वीडियो बनाया था भाई, और भाई इसमें भी मुझे एक हैकर चोर के चला जाता है भाई, बहुत गंदा मारता है। तो यार भाई देखो भाई, हैकर बहुत आते हैं भाई यार, जैसे 1 हफ्ता हो जाता है ना भाई तो हैकर आने चालू हो जाते, बिकॉज इस सीज़न में मुझे देखने को मिला भाई उस तरीके से। बिकॉज भाई देखो, स्टार्टिंग में हैकर आए और सारे हैकर भाई दूसरे दिन में बैन हो गए भाई सारे के सारे, तो तब से हैकर आने बंद हो गए। और भाई यार बंद लोंडो का कॉन्करर होना एकदम इजी हो गया, जो लीजेंड लोंड है वो। तो भाई यार इस तरीके से आप इजीली फर्स्ट हफ्ते मतलब फर्स्ट वीक में इजीली कॉन्करर लगा सकते हो। बस गाइस, आपके पास 7 दिन से ज़्यादा कुछ मतलब 8-9 दिन हो समझ लो हैकर जब आएंगे तब, बस आपको गाइस 7 दिन में किसी कुछ भी करके कॉन्करर लगाना है भाई। रात को ही देखो, लॉबी चलती है 2 बजे तक, ठीक है, 2 बजे तक लॉबी चलती है भाई यार। आपको सुबह से स्टार्ट करना है, सुबह जब भी खेलो भाई यार, आप कब भी खेलो, बट कम से कम 2-3 घंटे तो खेलो सुबह में, दोपहर में 3 घंटे, और बस रात में भाई देखो आपको जितना खेल सके उतना खेलो भाई 2 बजे तक, बिकॉज 2 बजे तक लॉबी ऑन रहता है। तो भाई यार आपको एक दिन में कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा प्लस निकालना है कुछ भी करके, ठीक है गाइस। देखो भाई यार, रोज़ आप 300+ करोगे ना भाई यार, बहुत सही हो जाएगा, 300, 350 या 400 अच्छे से प्लस करो भाई, बहुत जल्दी और हो जाएगा भाई आपको कॉन्कर, ठीक है। तो भाई यार मैं पिछले सीज़न कर लेता, बट मेरे पास पिछले सीज़न टाइम नहीं था, मेरे एग्ज़ाम से करीब, और इस सीज़न में भी एग्ज़ाम से भाई मेरी प्रीलियम है। तो भाई यार मैं फिर भी खेलने वाला हूँ भाई यार, मैं टाइम देने वाला हूँ पबजी के लिए, बिकॉज एक सीज़न तो मेरे को करना ही है भाई यार इस आईडी पे कॉन्करर। तो भाई यार हम करेंगे और कुछ भी करके करेंगे भाई, मतलब करेंगे। तो भाई यार आप भी करोगे मेरे साथ में, तो भाई यार सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो।
भाई यार मैं इधर से मस्त एकदम लूट मार तो बस कार वाला मिलता भाई मेरे को। तो भाई मैं इधर से निकलता हूँ गाड़ी लेके सीधा भाई ब्रिज के उस तरफ वाले कंपाउंड पे। तो भाई यार मैं सोचता हूँ भाई उधर जाके लूट मारो भाई यार, मगर उधर क्या ही सीन होता है मेरे सामने अब देखना भी। तो इधर से मैं सीधा जाता हूँ भाई यार, उधर से अच्छी गाड़ी ले लेता हूँ भाई, अपना अपना US ले लेता हूँ भाई, और इधर से निकलता हूँ जल्दी से। तो भाई यार ये ब्रिज भाई अपना बहुत ही मतलब काम की चीज़ है भाई यार, मतलब मैं इधर अपना ये अपनी जगह है भाई, यहाँ पे जो भी बंदा आता है भाई गिरा जाता है। तो यार भाई देखो मैं इधर ही कैंप करते रहता हूँ भाई यार, कभी भी मतलब हर बार इधर से मेरे को 3-4 किल आराम से मिल जाते हैं। जब इस साइड में सर्कल होता भाई मिल ही जाता है भाई मेरे को किल्स, मतलब क्या ही बताओ भाई। मैं तो आता भाई लोंडे इधर से आते तो मारने में बहुत मज़ा आता है भाई ब्रिज कैंप करने में। तो भाई आप भी कभी कर लेना भाई, ट्राई कर लेना भाई ब्रिज कैंप करना। मैं तो भाई सीख गया भाई, मेरी तो आदत पड़ गई भाई मुझे ब्रिज कैंप की। तो भाई आपको देखो आपको अगर जमता हो तो भाई आप भी कर लो, एकदम सही से हो जाएगा आपका भी भाई। इधर गाड़ी ठुकती भाई बहुत गंदी तरीके से। तो भाई यार मैं इधर से गलती मार लेता हूँ जल्दी से, बिकॉज मेरे को लगा भाई गेम में हैकर होगा, और भाई साथ में हैकर ही निकलता है भाई, लोंडा पहले भी करके बैठा रहता है भाई। अभी देखना अभी क्या सीन होता है मेरे साथ में। तो भाई मैं इधर से सीधा जाता हूँ भाई ऊपर, ये सोच के भाई उधर लोंडा नहीं होगा, बट लोंडा भाई मेरे को ढूंढते ढूंढते आ जाता है भाई, कहाँ बहुत ही गंदी तरीके से मारता है सर भाई। जब भी मुझे हैकर दिखता है भाई, हैकर मेरे को मार के जाता है भाई, एक भी ऐसा हैकर नहीं जो जिसने मुझे छोड़ा होगा भाई कि नहीं भाई आज इसको नहीं मारेंगे, इसको छोड़ देंगे, बट ऐसा अभी तक नहीं मिला भाई। तो भाई अपने को देखो इधर गाड़ी आती है, और भाई मैं इधर से होल्ड करता हूँ थोड़ा सा भी देखना, मैं डर जाता हूँ भाई बंदा इधर होगा बोल के। तो भाई ये लोंडा घर के अंदर जाके बैठता है भाई, तो इसलिए मैं इधर साइड से निकले। तो मैं सोचता हूँ भाई यार इधर को इसको फ्लाइंग करके मारेंगे भाई, उधर से जाके घूम घूम के मारेंगे भाई। ये घूम घूम के जाते जाते मेरे को फेल देता है बहुत गंदी तरीके से भाई, बहुत गंदी गंदी गंदा बात है। तो भाई यार इधर इसके साथ ही अपना इधर पेटा बनने वाला, और पेटा बन भी जाता है भाई, तो क्या ही बोले। तो चलो गाइस मिलते और एक न्यू वीडियो में बाद में। तो भाई यार अगली बार अपन लाएंगे और एक रैंक पुशिंग गेम प्ले का वीडियो। तो भाई चलो तब तक मिलते हैं, और चलो बाद में मिलते हैं, टाटा एंड बाय बाय। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक भी कर लेना भाई, और कमेंट भी कर लेना। हाँ भाई कैसी लगी?